बजाज चेतक भारत में 14 साल बाद फिर से वापस लौट आया है। कंपनी ने इसे साल 2006 में बंद कर दिया था। यह स्कूटर कई चरणों में लॉन्च होगा। सबसे पहले कंपनी इसे पुणे में लॉन्च करेगी, उसके बाद धीरे धीरे करके वह इसे भारत के बाकी क्षेत्रों में भी लॉन्च करती जाएगी। कंपनी ने बजाज चेतक को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के रूप में पेश किया है। इसमें सिटी और स्पोर्ट जैसे दो राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। इसकी रेंज की बात करें तो इसका सिटी मोड 95 से 100 किलोमीटर का रेंज देगा, वहीं स्पोर्ट मोड 80 से 85 किलोमीटर का रेंज देगा। बजाज चेतक को रेट्रो लुक दिया गया है, हालांकि इसमें पुरानी चेतक का भी थोड़ा लुक देखने को मिलता है। सीधी भाषा में नई बजाज चेतक पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा स्टाइलिश और डिजिटल हो गया है। इस स्कूटर में आपको कीलेस फीचर मिलता है, यानी आप इस स्कूटर को बिना चाबी के स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि अगर इसकी चाबी आपके पॉकेट में है तो इसे आपको स्कूटर में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्कूटर के एक बटन को दबाकर इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस स्कूटर का एक खास फीचर इसका रिवर्स फीचर है, यानी इस स्कूटर में आपको रिवर्स के लिए एक बटन मिलता है जिससे आप स्कूटर को किसी कार की तरह रिवर्स कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसे आप अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकेंगे। इसके बाद आपको सारी जानकारी अपने स्मार्टफोन पर रियल टाइम में मिलेगी।